और पाकुड़ जिले में शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित डाक बंगला परिसर में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से आयोजित 9 दिवसीय नवरात्र का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। इस अवसर पर महिला पुरुष और 108 कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ समिति के अध्यक्ष दीपक साह के नेतृत्व में भव्य कलश यात्रा निकाली। आज सबसे पहले तो मैं आपके बाइस्कोप के सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो कलश यात्रा रहा कई मायने में ऐतिहासिक रहा। इतनी बारिश के बाद भी एक भी भक्त उस बारिश से डिगे नहीं, मतलब आज इंद्रदेव पर आस्था भारी था और काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने इस कलश यात्रा में भाग लिया। आज हम लोगों ने माँ आदिशक्ति के इस पूजन में आदिवासियों ने इस कलश यात्रा का नेतृत्व किया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। कहाँ से शुभारंभ करके कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक आप लोग आए? हमारी कलश यात्रा इसी पंडाल से प्रारंभ होकर पूरे हिरणपुर का नगर भ्रमण करते हुए स्वर्ग विभूति भूषण छठ घाट में जल भरते हुए पुनः पंडाल में प्रवेश किया। और इस दरमियान में जो हमारे श्रद्धालुओं के, जो कलश यात्रियों की जो उत्साह था, वो सही मायने में देखने के लायक था। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ, जय माता दी नारों के साथ पूरा गुंजमान रहा। क्या कुछ कार्यक्रम भी आप लोग यहाँ पे किया जा रहा है? हमारे इस सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति हिरणपुर के द्वारा अभी लगातार कार्यक्रम आयोजित होंगे। 5 तारीख से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और 5 तारीख से यहाँ के लोकल बच्चों का डांस है, फिर बाहरी बच्चों का डांस है, फिर बंगाली एसोसिएशन का प्रोग्राम है और फिर डांडिया लगातार 3 दिनों तक चलेगी, जो बाहर से कलाकार आ रहे हैं। और इसके बाद एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है 14 अक्टूबर को, और इसके बाद 15 अक्टूबर को एक विसर्जन, माँ का विसर्जन होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? मैं इस क्षेत्रवासियों को, मैं प्रदेश के तमाम वासियों को, साथ में देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि माँ दुर्गा का पूजा का जो आयोजन है, यह नवरात्र का जो आयोजन है, हम सभी आपस में मिलजुल कर एक अच्छे सच्चे सद्भाव के साथ पूजन मनाएं, आपसी सद्भाव के साथ सभी रहें और ये देश दिन ब दिन आगे तरक्की करे, यही आशा है।